Press the bell icon of the eParthshala channel and never miss another update. So welcome back to student, this is your Vijay here और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। साथियों हम 12th चैप्टर कर रहे हैं और उससे पहले हमने 11th चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 12th क्लास की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, मेरा नाम विजय है और आप मेरे साथ हिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम वीडियो के दो पार्ट पहले से ही कर चुके हैं चैप्टर के ऊपर। उपनिवेशिक शहर यानी कि कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है वीडियो का। वीडियो में पूरी तरीके से आपको पता है कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, योजना, प्लानिंग और वस्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट के बारे में बताया गया है। सो गाइज मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग मोड पे लेके चलता हूँ, क्योंकि अब हम चैप्टर जो है दूसरे हिस्से पे जाके पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देख लिया था कि 16 और 17 सेंचुरी पे जिस टाइम पे मुग़लों का टाइम पीरियड हुआ करता था, तो मुगल्स एम्पायर जिस समय चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड पे मुग़ल एम्पायर के टाइम पे हमने देखा कि उस समय सिटीज़ कैसे हुआ करती थी। अब चाहे वो आगरा हो, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो लाहौर हो, तो जितनी भी इलाके हुआ करते थे उस समय में मुग़ल टाइम पीरियड पे, ये तीन इलाके फेमस हुए थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब पूरी तरीके से मुग़ल साम्राज्य डिक्लाइन होने लग गया था और लगभग 17 और 18 सेंचुरी के बीच में ये वाला टाइम पीरियड, इस समय पे अंग्रेज़ों ने मुंबई को, मद्रास को, है ना, मद्रास को एंड देन कोलकाता को, इन तीन जो इलाके उनके पास थे उन तीनों इलाकों को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करा। और वही वीडियो अब हमारी आगे बढ़ रही है कि जब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया मौर्य एम्पायर, तो अब 18 सेंचुरी के अंदर कितने बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज़ दैट, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए 18वीं शताब्दी के अंदर क्या बदलाव हुए, है ना। यहाँ पे व्हाट लिखा हुआ है, वैसे तो ये हाउ व द न्यू टाउन्स लुक लाइक होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो नए शहर थे वो उस समय कैसे लग रहे थे। अब नए शहर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बंदरगाह है, किले हैं, सेवा का केंद्र है, पोर्ट्स है, फोर्ट्स है एंड सर्विस ऑफ सेंटर्स है ना। तो लगभग 18 सेंचुरी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन जो थे मद्रास, कोलकाता और बॉम्बई, वो 18 सेंचुरी के अंदर इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए कि यहाँ पर ये बंदरगाह बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए और काफ़ी उपयोगी साबित होने लग गए। और उस टाइम पीरियड पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपना जो ट्रेडिशनली ट्रेड करते थे यूरोपियंस देशों के बीच में, वो काफ़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने इन इलाकों में करना चालू कर दिया। लगभग जब 18 सेंचुरी आया तो इन लोगों ने अपने जितने भी टाउन्स थे उनको फोर्टिफाइड करना चालू कर दिया। और फोर्टिफाइड करने के लिए यहाँ पे तीन नाम जो है उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि जो अपने कारखाने, मैंने आपको बता दें यूरोपियन कंपनी जब व्यापार करती थी उन्होंने देखा कि यार ये व्यापार का केंद्र बहुत अच्छा है, तो इनको हमें फोर्टिफाइड कर लेना चाहिए, किले बंद कर लेना चाहिए। तो तीनों इलाकों में इसको किले बंद करा गया, जैसे कि इलाका मद्रास के अंदर तो उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने करा था, एंड कोलकाता के अंदर विलियम फोर्ट ने करा था, एंड बॉम्बे के अंदर ऑर्ट जो है उन्होंने करा था। तो यहाँ पर तीन जो क्षेत्र थे उन तीनों क्षेत्रों को अब पूरी तरीके से फोर्टिफाइड किया जा रहा है। तो इस ब्रिटिश इलाकों के अंदर आबादी के रूप में ब्रिटिशर्स को ही देखा जाता था, और जो यूरोपियंस व्यापारी होते थे वो सामान लेने के लिए जब इनके पास आते थे वो किलों के बाहर ही रहते थे, वो मतलब उनकी बस्तियां अलग हुआ करती थी, और जो भारतीय लोग थे वो तो शुरू से ही अलग ही रह रहे थे। ये सभी आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कहा गया, जहाँ पे यूरोपियंस रहते थे उस इलाके को वाइट टाउन यानी कि गोरा शहर कहा गया, और जहाँ पे भारतीय रहते थे उनके क्वार्टर्स अलग होते थे और उनको ब्लैक टाउन्स यानी कि कारा शहर के नाम से उस समय ये वर्डिंग यूज़ करी जाती थी। तो जैसे जैसे समय बदलता गया तो उस समय पे 19 सेंचुरी में लगभग रेलवे नेटवर्क्स बिकनी चालू हो गई, और रेलवे नेटवर्क जब बिछी तो सिंपल सी बात है, रेलवे नेटवर्क से
फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोगों ने जाना चालू कर दिया, शहरों में जो नॉर्मल जनसंख्या थी दूसरे इलाकों में माइग्रेट होना चालू कर दिया उन लोगों ने। तो इससे दूर दराज के जो इलाके थे वो भी बंदरगाह से जुड़ते चले गए, और फिर उससे फ़ायदा क्या होता था, उससे फ़ायदा ये होता था कच्चा माल जो होता था, रॉ मटेरियल जो होता था, वो शहरों से भी आने लग गया। शहरों से सस्ते जो श्रमिक होते थे, सस्ते मजदूर जो होते थे, वो इन इलाकों तक आने लग गए, है ना। तो इस तरीके से धीरे 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 डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, और अंग्रेजों ने जो अपनी प्लेसेस बनाई थी उन्हें ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करी। लेकिन अब अगर उससे पहले बताए तो इंडिया के अंदर उस समय पे सिर्फ और सिर्फ कानपुर ही था जो चमड़ा और ऊन के लिए बहुत फेमस था, और सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस था उस समय कानपुर, और देन दूसरा जमशेदपुर जो है वो स्टील के लिए फेमस था। सिंपल सी बात है, ये उस समय बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फेमस थे, लेकिन भारत कभी भी आधुनिक उद्योग से देश पनप नहीं पाया, देश बन नहीं पाया ढंग से, क्योंकि उस टाइम पे आप सभी को पता है कोलकाता, बम्बई, मद्रास जो शहर थे वो डेवलप हो रहे थे। तो मैं कह सकता हूँ कि इन शहरों के साथ भेदभावपूर्ण जो है वो नीतियाँ अपनाई गई। लेकिन सिंपल सी बात है, जब रेलवे नेटवर्क बन गए तो उसके बाद तो शहर जुड़ने ही चालू हो गए थे, तो रॉ मटेरियल्स इन इलाकों से भी आने लग गया था। तो यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि उपनिवेशिक भारत के अंदर मुंबई, मद्रास और जो आपका कोलकाता है वो तो अंग्रेजों के द्वारा डेवलप हुआ था, लेकिन कानपुर और जमशेदपुर उस समय बहुत फेमस इलाकों में से एक थे। तो अब अगर हम नए शहर की विशेषताएं देख ले और नए शहर को देखें हम, तो आप सभी को पता है अब यहाँ पे धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएगी, और लगभग 19 सेंचुरीज के अंदर यहाँ पर नए गोदाम बनेंगे, नए कार्यालय बनेंगे, नए जो ट्रांसपोर्टेशन की जो इलाके होंगे उसके लिए नई चीज़ें बनेंगी, है ना। तो ये सब धीरे 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 करके पूरे नए शहर जो है, नए शहर का जो परिवेश होगा उसके अंदर ये बनना चालू हो जाएगा। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके भी डेवलप होते जा रहे हैं, नए नए जॉब्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि कारखाने बन रहे हैं। तो 19 सेंचुरी के अंदर ये देखा गया कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेजों ने ज़्यादातर भारतीयों के साथ ना उस समय बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फेथफुल नहीं, बिल्कुल हमेशा शक की निगाहों से वो लोग उनको देखते थे। दैट इज़ वाई ये सिचुएशन बदली। सिचुएशन ये ब्लैक एंड वाइट टाउन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ब्लैक टाउन्स की और वाइट टाउन्स की अलग ज़रूरत क्यों पड़ी। चाहते तो ये लोग उस समय पे उनके साथ ही रह सकते थे, है ना, लेकिन वो नहीं रहे, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद जितने भी नेटिव्स पीपल थे वहाँ पर, उपनिवेशित शहर जो थे वहाँ पर या वहाँ पे जो लोकल लोग्स थे, उनको हमेशा शक की निगाहों से देखना और उनको डराना यही चलता रहता था। तो भारत में ब्रिटिश रवैया जो था लगातार विद्रोह के डर की वजह से डरा हुआ था। दैट इज़ वाई उन लोगों ने अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए एक अलग बस्ती बनाई, समझ रहे हैं ना आप। तो बस्ती क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, उसको बोला गया सिविल लाइन्स। सिविल लाइन से इन जगहों को बोला जाता है। सिविल लाइन एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और सिविल लाइन के अंदर ज़्यादातर कौन होते थे, वाइट्स पीपल। वाइट्स जो होते थे, वाइट्स कौन, वाइट पीपल कौन, ये वाइट पीपल हैं अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स। यही वाइट पीपल जो होते थे अपने इन सिविल लाइन जैसे इलाकों को बनाते थे, और सिविल लाइन पूरी तरीके से गोरे लोग जो होते थे यहाँ पे बसते थे। तो यहाँ पे सिविल लाइन के अंदर सिंपल सी बात है, अगर गोरे लोग रहते हैं तो उनकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उन्हें खतरे से दूर रखा जाएगा, है ना, उनका क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर अब पुराने जो शहर के आसपास जो चारागाह वाले इलाके थे, कृषि वाले इलाके थे, उनको साफ़ कर दिया जाएगा इनके आसपास के इलाके को, और उसका नाम क्या दिया गया, सिविल लाइन। ठीक है, तो सिविल लाइन जो थी वो गोरों के लिए थी, और छावनियाँ साथ साथ में सुरक्षित करी गई। छावनियाँ जितनी होती हैं आपको पता है, जितने भी यूरोपियन अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, वो छावनियों के अंदर ही तैनात रहते हैं और वहीं पे ही रहते हैं। तो छावनियाँ यानी कि रेजिमेंट्स, कंटोनमेंट बोर्ड बोल सकते हैं, ये औरंगाबाद का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है बोर्ड। वैसे कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ दिल्ली भी हमारे यहाँ पर है, दिल्ली कंटोनमेंट जिसे हम DCB बोलते हैं, उनके भी हमने देखे हैं इलाके, वो बने हुए हैं, है ना। छावनियाँ जहाँ पे यूरोपियन के तहत भारतीय सैनिक को तैनात किया जाता था, और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं एनक्लेव जो होता था वो विकसित करा गया, और इन इलाकों में चौड़ी सड़कें होती थी, बंगले होते थे, बगीचे होते थे, बैरक्स होते थे, परेड ग्राउंड, चर्च,
ये सब लेकिन उन नॉर्मल वाइट पीपल से, ओ जो वहाँ पे लोग हुआ करते थे, मैं कह सकता हूँ कौन से लोग, लोग वो वाले जो ब्लैक पीपल जो वाइट से जो ब्लैक पीपल जो वाइट्स के लिए खतरा थे, दैट इज़ वाई ये चीज़ें अलग करी गई। अब देखिए मेन है यहाँ पर मद्रास, कोलकाता और मुंबई जो है वो डेवलप तो हो रहे हैं, और जब पूरी तरीके से इसको बनाया जा रहा है तो धीरे धीरे करके इन लोगों ने इन चीज़ों को अलग करना चालू करा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि उनको पता था कि वाइट्स पीपल जो होते थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग मानते थे इन ब्लैक से। उसका रीज़न बस ये था कि उनको लगता था कि ये जो इंडियंस मूल के लोग हैं, इंडियन रेजिडेंस के लोग हैं, ये बहुत गरीब है, पिछड़े हैं, इनको कुछ सिस्टम के बारे में पता नहीं है, तो ये हमारे साथ कैसे कॉपरेट कर सकते हैं। और इसीलिए इन लोगों ने जो काला क्षेत्र यानी कि ब्लैक टाउन्स था उसको ये कहा गया कि यहाँ पे हमेशा अराजकता फैली रहती थी, हमेशा गंदगी और बीमारी बहुत ज़्यादा रहती थी, और यहाँ पे हैजा प्लैग जैसी महामारियाँ जो होती थी वो होती रहती थी, और ये नॉर्मल होता था कि यहाँ पे हज़ारों लोग इन सभी समस्याओं की वजह से मर जाते थे। तो ये जो क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, ब्लैक एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाइट्स पीपल से बहुत ज़्यादा अलग हुआ करते थे ये लोग। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे काले क्षेत्र को एक क्या कहते हैं हाइजीन, अच्छे हाइजीन के लिए नहीं माना गया, और यहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती रहती थी। दैट इज़ वाई एक क्या कहते हैं सैनिटेशन के लिए यहाँ पर एक सतर्कता के लिए स्वच्छ से संबंधित फिर स्टेप लिया गया ब्रिटिश के द्वारा, और 1860 में और 1870 के दशक में यानी कि 19 सेंचुरी के दशक में स्वच्छता के बारे में कड़े प्रशासनिक उपाय करे गए। ये हो ब्लैक्स के लिए नहीं रहा है, हो तो ये वाइट्स के लिए रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये नए लॉ पास होंगे तो सिंपल सी बात है इससे ब्लैक्स को ही फ़ायदा होगा। अब ब्लैक के लोग क्योंकि वाइट्स के पास कम्युनिकेट करने के लिए, व्यापार करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने के लिए सिंपल सी बात है आते तो जाते रहते थे, तो कहीं डिजीज़ जो इनको होती थी वो डिजीज़ क्या कहते हैं वाइट्स को ना हो जाए। दैट इज़ वाई उस टाइम पीरियड पे किन किन चीज़ों पे फोकस करा गया, भारतीय शहर को तो काफ़ी अच्छी तरीके से ठीक करने की कोशिश करी गई, बाकी भूमिगत जो पाइपलाइन होती थी, जल की जो आपूर्ति होती थी, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इन सभी चीज़ों को उस समय व्यवस्थित करा गया और बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित और नियमित करा गया। इस प्रकार स्वच्छता जो है काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाई, और आज भी आपको पता है कि हमारे देश के अंदर स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत जैसी मुहिम आज भी चल रही है। उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न वाइट्स एंड ब्लैक्स लोगों को ठीक करना नहीं है, उसका मेन रीज़न है अपने देश को समृद्ध करना, अच्छा करना। बीमारियों के अंदर ही अगर फंसे रहेंगे तो सिंपल सी बात है हम कुछ नहीं कर सकते फ्यूचर में। सो नेक्स्ट स्टेप, पहला हिल स्टेशन। तो जैसे छावनियाँ अलग हुआ करती थी, छावनियों में अलग रेजिमेंट्स के लोग रहा करते थे, ऐसे ही छावनियों को विकसित करने के लिए हिल स्टेशन की स्थापना करी गई। हिल स्टेशन ये आपको पता है कहाँ के इलाके में है, अगर मैं क्या कहते हैं आपके जम्मू कश्मीर के इलाके से ले लूँ तो लगभग इधर के जो इलाके हैं, इधर के इलाकों में ज़्यादा ठंडी पाई जाती है, इधर के इलाकों में ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। तो यहाँ पे हिल स्टेशन की स्थापना इसलिए करी जा रही थी क्योंकि वो चाहते थे अंग्रेज़ के जितने भी हमारे रेजिमेंट्स के लोग हैं, सिपाही जितने भी हैं, वो जो ब्लैक टाउन से होने वाले जो बीमारियाँ हैं उनसे दूर रह सके। और दूर रहने के लिए ही इन लोगों ने क्या कहते हैं सिक्किम के राजा से 1835 में जो सिक्किम है वो छीन लिया था और फिर अपने देश में विलय करवा लिया, मतलब वो धीरे धीरे करके। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि ये जो हमारी बाउंड्रीज़ होती है, इन बाउंड्रीज से जो दूसरे देश यहाँ पे आसपास में हैं उन देशों से सुरक्षा की जा सके, इसलिए इन बाउंड्रीज़ को कवर करने के लिए अंग्रेज़ जो हैं अपने सैनिकों को वहाँ पर ठहराते थे। और सिंपल सी बात है हमला करने के लिए भी ठीक रहे। सबसे खास रीज़न इनका क्यों था, इन्होंने हिल स्टेशन, अंग्रेज़ों ने हिल स्टेशन को क्यों चुना, उसका मेन रीज़न ये था कि जिस तरीके से यहाँ की आबरो हवा थी, जो जलवायु थी, वो लगभग क्या कहते हैं इनके देश के अकॉर्डिंग मैच करती थी, क्योंकि वो लोग गर्मी को झेल पाते नहीं थे और उनको लगता था कि जब जब गर्मी होती थी उस समय हैजा मरेली मलेरिया जो है ऐसी बीमारियां जो होती थी वो दूर होती रहती थी वहाँ पे। दैट इज़ वाई इन लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ पर
अपने सैनिकों को दूर करने के लिए और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हिल स्टेशन जैसी व्यवस्था भी बनाई। और आज की डेट में हिल स्टेशन कौन सा फेमस है, और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि अभी एट प्रेजेंट टाइम आप कौन से हिल स्टेशन गए हो। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको भारत के अंदर कौन सा हिल स्टेशन सबसे अच्छा लगता है वो भी मुझे शेयर करिए कमेंट करके, ताकि पता तो चले कि आप भी घूमते हो या नहीं घूमते हो। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं हिल स्टेशन की, तो हिल स्टेशन का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ रहने से ही नहीं था। यहाँ पर उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हिल स्टेशन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया, क्योंकि चाय कॉफ़ी के बागान जो थे वो यहीं से शुरुआत होती थी। और सिंपल सी बात थी, उस समय पे जिस समय, क्या कहते हैं, 19th सेंचुरी में जब रेलवे लाइंस कनेक्ट हुई, तो उस समय पे काफ़ी भारी मात्रा में मज़दूरों को भी यहाँ पे लाया गया, है ना। तो हिल स्टेशन खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मज़े के लिए नहीं था, बल्कि बदलाव के लिए भी था। तो दूसरा अगर एग्जांपल ले, नए शहर का सामाजिक जीवन कैसा था, क्योंकि अगर मैं 17th सेंचुरी की बात करूं, मैं 18th सेंचुरी की बात करूं, मैं 19th सेंचुरी की बात करूं, तो 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी ज़्यादा डेवलप हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि 100 साल का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे समय जो बदल रहा है वो बदल इसलिए रहा है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे घोड़ा गाड़ी, यातायात के नए संसाधन, टमटम, बस, है ना, ये सारी चीज़ें आनी चालू हो गई थी। और जब ये सारी चीज़ें आनी चालू हो गई, तो सिंपल सी बात है, अब एक स्थान से दूसरे स्थान को पीपल को माइग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। भारत की आबादी के लिए नया शहर नियंत्रण परिवर्तित हो रहा है, और अधिक धन की ज़रूरत पड़ती है। गरीबी के बीच एक नाटकीय विपरीत विवरण देखा गया, और देखा गया कि उस टाइम पीरियड पे जब लोग काम करने जाते थे, तो सिंपल सी बात है, अब वो दूसरे शहरों के पास तक भी आसानी से जा सकते हैं। तो ये सामंजस्य स्थापित करना बहुत अच्छा था देश के लिए भी और अंग्रेजों के लिए भी। अब ऐसे करते करते मिडिल क्लास जो है, एक मिडिल क्लास नया वर्ग जो है, मिडिल क्लास वो निकल के आ रहा है समाज के अंदर से। और इनकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, अंग्रेजों की संख्या तो ज़्यादा थी ही नहीं, मैं 4% भी अगर लेके चलूँ पूरे देश की आबादी की, तो इतनी जनसंख्या थी उनकी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुविधा बनाने वाले लोग यही थे, तो इसी वजह से नई जो परिवहन व्यवस्था है उसका मतलब वही शहरों के केंद्र से जुड़ना है, और यहाँ पे अब लोग निवास जो हैं वो अलग हो रहे हैं। तो घर से दफ्तर या कारखाने की यात्रा बिल्कुल नए तरीके के अनुभव से है। सार्वजनिक पार्क, थिएटर, सिनेमा हॉल, मनोरंजन, ये सभी चीज़ें उस समय पे अंग्रेजों ने इस्टैब्लिश करी, और फिर लोगों में एक मध्यम वर्ग निकल के आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्यम वर्ग निकल के आया, और इन वर्गों के पास शैक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, है ना, और इवन अखबार, पत्र पत्रिका, सामाजिक बैठक, ये सब उस नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लोगों को मिलना चालू हो गया। जैसे जैसे देश के अंदर डेवलपमेंट होता चला गया, वैसे वैसे यहाँ पर वुमेन्स के रोल में भी बदलाव आने चालू हुए। ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स पहले यही थी कि भाई फादर के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेटे सन को ही मिलनी चाहिए। इवन जो डॉटर होती थी उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। समाज में जो ऑर्थोडॉक्स पंडित बैठे हुए हैं, उनका यही मानना था कि लड़कियों को अगर पढ़ाया और लिखाया जाएगा, तो भाई देश के अंदर बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, परिवर्तन जो है वो हो जाएगा, घर में खतरा मौजूद हो जाएगा। तो ये सिचुएशन पहले चलती थी, लेकिन हमने देखा सती प्रथा को ख़त्म करने वाले जो व्यक्ति थे वो यही थे, अंग्रेज़ थे। उसके बाद चाइल्ड लेबर जो था ख़त्म करने वाला अंग्रेज ही थे, ऐसे लॉज लेके आए, है ना। तो ऐसे ही वुमेन की स्थिति उस समय पे ऐसी थी कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे, कि महिलाओं ने अपने आप के जो जीवन के बारे में है उसके बारे में पत्रिकाओं के अंदर, आत्मकथाओं के अंदर और पुस्तकों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने लग गई। मतलब अब वो चार दीवारी तक सीमित नहीं थी, इवन वो, क्या कहते हैं, शहरों के अंदर सार्वजनिक रूप से नए नए व्यवसाय करने लगी। घरेलू काम तो करती करती थी, साथ में कारखानों में श्रमिक, टीचर, थिएटर के अंदर अभिनेत्री, है ना, ये सब काम उस टाइम पीरियड पे होने लग गए थे। और इससे महिला वर्ग को एक सम्मान वर्ग मैं कह सकता हूँ अंग्रेजों की वजह से मिला होगा। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ श्रमिक वर्ग, अब क्योंकि 19th सेंचुरी तक तो आपको पता है रेलवे लाइंस, यातायात, बस के संसाधन बहुत अच्छे हो गए, और श्रमिक वर्ग जैसे ही इस संसाधन का इस्तेमाल कर पाया, तो रोजमर्रा की तलाश में, काम की तलाश में, अब वो शहरों तक आ सकता था। और शहरों का आने का फायदा उसका यही होगा कि शहरों के भीतर नए श्रमिक वर्ग जो हैं वो जन्म तो ले रहे हैं, रोजगार की उम्मीद उन्हें ज़्यादा हो जाती है।
ग्रामीण इलाकों से आने पर वो शहरों की तरफ आ जाते थे क्योंकि काम धंधा नहीं होता था, है ना। कुछ लोगों को अफसर के स्थान पर शहरों को रुख करना पड़ता था। जीवन के विभिन्न तरीकों का आकर्षण उन्हें वहाँ देखने को मिलता था। शहरों में सिंपल सी बात है, काम धंधे ज़्यादा होते नहीं थे, इसलिए अधिकांश जो लोग होते थे वो इमिग्रेंट हो जाते थे, अप्रवासी हो जाते थे और अपने घर परिवार से दूर रहते थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो प्रवासी लोग आते थे वो अपने घर परिवार को छोड़कर आते थे। शहरों की ज़िंदगी जो थी एक संघर्षपूर्ण थी, क्योंकि सिंपल सी बात है नौकरियाँ नहीं मिलती थी। पक्की नौकरियाँ मिलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल हुआ करता था उस टाइम पीरियड के अंदर। तो गांव के अंदर गरीबों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी सिचुएशंस के बिहाव पर जो भी कमाते थे अपने धार्मिक त्यौहार को मनाते थे, उत्साहपूर्वक रहते थे, है ना। ये सिचुएशन, सो दिस इज़ इट इन दिस क्लास गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और बहुत बहुत धन्यवाद, 100K जल्दी से करिए हमारे चैनल पे, 100K इस बार हमें इस साल में करने ही करने हैं। सो दिस इज इन दिस पार्ट, आई होप यू लाइक इट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।